2021 के हाली डेविड सेल पैन अमेरिका 1250 बहुत जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने बाइक की एक शोरूम कीमत 16,90,000 रुपए रखी है। वहीं हाली पैन अमेरिका 1250 स्पेशल की कीमत 19,99,000 रुपए रखी गई है। नई बाइक की बुकिंग जारी है। वहीं कंपनी जून की शुरुआत या मध्य से बाइक को ग्राहकों को सौंपना शुरू करेगी। पैन अमेरिका 1250 हाली डेविडसन की पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है। बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस काफी बढ़िया है, जिसे नए चेसिस के अलावा नया इंजन और कई इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं। पैन अमेरिका स्पेशल की खास बात है इसमें मिले सेमी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, जो अडेप्टिव राइड हाइट फीचर के साथ आए हैं। भारत में बाइक का मुकाबला ट्रायम्फ टाइगर 900, BMW R1250 GS और होंडा अफ्रीका ट्विन जैसी बाइक से होगा। इस महीने की शुरुआत में ही मर्सिडीज बेंज ने दुनिया के सामने बिल्कुल नई EQS पेश की थी, और दिलचस्प बात यह है कि अब इस इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में कंपनी की वेबसाइट पर कमिंग सून लिखकर लिस्ट किया गया है। इससे ये साफ होता है कि जल्द ही नई EQS देश में लॉन्च की जाएगी। इस लिस्टिंग में लॉन्च से पहले कार की बहुत सी जानकारी सामने आई है। EQS इलेक्ट्रिक SUV के बाद ये कंपनी की दूसरी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार होगी। वेबसाइट की माने तो EQS 2 ट्रिम्स, EQS 450 प्लस और EQS 580 4MATIC में पेश की जाएगी। 450 प्लस कार का बेस वेरिएंट होगा, जो सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगा और 328 BHP के साथ 568 NM पीक टॉर्क बनाएगा। 580 4MATIC को दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। दोनों एक्सल पर लगी मोटर कुल 516 BHP और 855 NM बनाएंगी। EQS 580 सिर्फ 4.1 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ेगी। EQS कंपनी की एस क्लास सेडान का इलेक्ट्रिक अवतार होगी, जिसकी कीमत एस क्लास के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। कार एंड बाइक की तरफ से एक और एक्सक्लूसिव खबर। 2021 सुजुकी हायाबुसा 26 अप्रैल 2021 को 16,40,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च की गई थी। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने पुष्टि की है कि इस आइकॉनिक मोटरसाइकिल का पहला जत्था भारत में अब बिक चुका है। पहले लॉट में 101 बाइक भारत आई थी, जिनकी बिक्री सिर्फ 2 दिन में पूरी हो गई है। कंपनी ने पहले ही बाइक की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। दूसरा जत्था आयात किए जाने के समय बुकिंग को फिर से शुरू किया जाएगा, जो 2021 की दूसरी छिमाही में भारत आएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि डिलीवरी शुरू होने पर वो बाइक के सभी 101 ग्राहकों को मुफ्त में पिछली सीट का काउल देगी। 13 साल बाद कंपनी ने नई हायाबुसा को व्यापक बदलावों के साथ पेश किया है। बाइक में अब बेहतर एरोडायनेमिक्स के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूट दिए गए हैं। इस बाइक को भारत में ही असेंबल किया जा रहा है। लेटेस्ट कार्स और लेटेस्ट बाइक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।